तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका। आज आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे मैं एक स्पेशल प्रोडक्ट परचेस किया है अमेजोन से। और पहले बता दूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है या पेड रिव्यू नहीं है किसी चीज का, लेकिन मैं अक्सर गाड़ी में बहुत ज्यादा ट्रेवल करता हूं, तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी हुआ है मुझे गाड़ी में ही सोना पड़ता है। तो उस चीज के लिए मैंने मंगाया है अमेजोन से ये, जिसको बोलते हैं कि ये गाड़ी में जो है आपका बेड तैयार हो जाता है, कि बेड बन जाएगा पूरा एक। और कैसे काम करता है आज की वीडियो में सारा दिखाने वाला हूँ, कितने का आया है और ये वाकई में ही काम करता है या नहीं। यार मैंने इसके बारे में पढ़ा और मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो मैंने परचेस किया। आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो बड़ी मजेदार होनी है, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो फटाफट से करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, अभी तक मैंने सील भी नहीं ओपन की है इसकी। पकड़ना भाई गोली। तो ये आते हैं इनके बबल रैप्स के साथ, ये काफी अच्छा है। असली जो सामान है हमारा वो इस बॉक्स के अंदर होने वाला है, और जो कि काफी भारी है। इसको भाई बाहर रख दे भी गत्ते को थोड़ी देर। देखने में तो अच्छा लग रहा है इस तरीके का, देखो यहाँ पे फोटो भी आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का कुछ बेड बन जाएगा। अभी इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले खोलते ही आता है ये, आई थिंक ये होगा इसका चार्जर, इन्फ्लेट करने के लिए और डिफ्लेट करने के लिए होता है ये। इसमें पकड़ना भाई, ये इसका चार्जर है, जो कि हमारा जो 12 वोल्ट का जो हम गाड़ी में चार्ज करने का जो सॉकेट होता है चार्जिंग का, उसमें लगेगा। और इसके अंदर नोब लगा के हमको वो फुलाना है जो अंदर इसके अंदर बैग दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये निकल के आता है भाइयों जो ब्लैक कलर का है। इसको ओपन करते हैं तो बड़ा ही छोटा सा एक पैकेजिंग है, आप इसको कैरी हमेशा कर सकते हैं बैग को अपने साथ में, ये मुझे ठीक लग रहा है अभी तो जुगाड़। अभी इसको देखते हैं भाई फुला के कैसे कैसे ये पूरा होता है। ये पिलोज दिए गए हैं, ये पिलो हैं, इनको बैग अपना सर के नीचे लगा सकते हैं आप आराम से। और इसको करते हैं ओपन फटाफट से, देखते रहिएगा। तो इसको लगाते हैं अपना 12 वोल्ट चार्जर के अंदर, ये फिट हो गया है। बड़ी तेज हवा दे रहा है यार, अभी पीछे की तरफ चलते हैं वहां लगाते हैं। तो भाइयों ये जो है ये निकाल के हमें इसमें से, और ये जो मोटे वाला है सबसे पहले इसको इसके अंदर डालना है, और डाल के लगाते हैं ये मोटर अंदर ऐसे, और भाई करते हैं इन्फ्लेट, देखते हैं कितनी देर में ये भर जाता है। ये वाला हिस्सा जो है बेसिकली नीचे जाने वाला है, नीचे रहेगा इधर। इसको अच्छे से टाइट कर देना ताकि इसकी हवा जो है वो निकल ना जाए। अभी ये वाला जो हिस्सा है ये जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ पे जो जगह बन जाती है जो सीटों के नीचे जो जगह होती है, ये यहाँ पे हो गया है इधर से फिट, और इधर से भी फिट हो गया है। अभी हमको ये वाला हिस्सा इसको भरना है, जो दूसरा जो बेड बनेगा उसको भी भरना है भाई, तो इसको कर लेते हैं इसमें फिट। भाई अब भरते हैं हवा इनके तकियों के अंदर, और तकिए के अंदर हवा भरने के लिए आपको छोटे वाला जो ये नोजिल है इसका यूज करना पड़ेगा। बस एडी, हालांकि इसमें थोड़ी कम हवा भरी गई है,
अब पीछे डालते हैं और देखते हैं लेट के क्या एक्सपीरियंस रहता है। सीटें थोड़ी ऐसे भी आगे कर देते हैं और इस वाली को आगे की तरफ कर, खिड़की बंद करते हैं वो उधर वाली। इसका गाड़ी की विड्थ थोड़ी सी कम होती है यार, लेकिन अगर आपको काम चलाना है आप आराम से इसके ऊपर ऐसे करके तकिया लगा के इधर घुटने नहीं खोल सकते पूरे, या फिर एक काम कर सकते हैं उधर का शीशा उतार लें और पैर अपने बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे सबसे बेस्ट है। आपको ये जो बेड है ये कैसा लगा वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यारो, और सॉरी एसी की आवाज थोड़ी आ रही होगी उसके लिए। और अगर आपको कोई पर्सनल सवाल मेरे से करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, अरुण कुशल खत्री जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको ये बेड खरीदना है तो कोई लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में, आप अमेजोन पे जाके कार बेड सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। अगर आप खरीदते हैं इसको, आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, तो ये बड़े काम की चीज़ होने वाली है। मेरे साथ तो हमेशा मैं इसे रखने वाला हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, और ये काफ़ी फायदेमंद भी होने वाला है। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें बस ध्यान ये रखना है ये पंक्चर ना हो जाए कोई इसके अंदर, हमारे लेटने से ये खराब नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सुई वगैरह इसमें कील वगैरह चुभ जाती है तो ये पंक्चर हो जाएगा और आपके 1700-1800 रुपए खराब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने परचेस किया है 1800 रुपए में, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।